हेलो दोस्तों, मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो यहां पर नंबर सिस्टम का पढ़ा दिया है। दोस्तों बात करें तो इससे पहले नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे होंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंजेस ये किया है। इससे पहले जितने भी वीडियोस पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन मैंने आपको लिख देता था बोर्ड पे, फिर उसका सलूशन करता था, ठीक है दोस्तों। वहां से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपके स्क्रीन में बहुत सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, वहां पर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसका मैं यहाँ पर सलूशन आपको बताऊंगा। तो इसके लिए पहला वीडियो हमने आपको एक दिन पहले हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है, उसको आप जाकर देखिएगा, बिल्कुल क्लियर, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं से भी। मैंने उस वीडियो को खुद देखा है जब रिकॉर्डिंग से पहले, तो मुझे वहां पर कोई दिक्कत नहीं लगी दोस्तों। तो सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, दो साल से ऊपर हो गया है, बिल्कुल मतलब व्यूज बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हताश निराश नहीं हो रहा हूं आप लोग के लिए। कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी, तभी आप पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे वहां पर सुधार आएगा, मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला हूँ। वीडियो इस तरह अपलोड होंगी, ठीक है, ऊपर वाला जब भी देखेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर होगा। दोस्तों बातें नहीं करूंगा ज्यादा, आपका टाइम नहीं लूंगा, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। बस यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे समझ में आ गया है, तो जरूर जरूर आप सपोर्ट जरूर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टैब में क्वेश्चन है, स्टेप बाई स्टेप जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले हिंदी में रीड करता हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, पहला क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्या है, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 35। अगर आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछेगा, रेसिप्रोकल का सम जब भी पूछेगा, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि योगफल ऊपर लिखिएगा और गुणनफल नीचे लिखिएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इतना इजी आंसर आपको यहां से निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा आपके पेपर में तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दीजिएगा। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसमें एक क्वेश्चन आ गया है तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1/3 और 1/5, 12/35 और 35/12, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे देखने को क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व ऐसे ही करिएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर भाई लगा दिया जाए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लग चुका है, क्वेश्चन में एक बार फिर रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन जो भी जैसा भी हमने किया है वैसे ही क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 40 दिया हुआ है और गुणनफल 375 दिया हुआ है, तो इनके विक्रमों का योग क्या होगा, ये आपका आंसर पूछा गया है। इंग्लिश में नंबर द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ दीस रेसिप्रोकल। ऑप्शन में दिया हुआ है 8/75, ये पहला ऑप्शन है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1/40, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 75/4 एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 78/8 होगा। तो इस चार में से कोई भी एक आंसर आपको पूछा गया है, तो हमने अभी आपको बताया है कि जब रेसिप्रोकल का सम पूछेगा, दो नंबर के रेसिप्रोकल का सम पूछेगा, तो ऊपर क्या करना है, सम लिखना है, दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और नीचे प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 375 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इन चारों में से कहीं ना कहीं ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइव काटेंगे,
फाइव एट जा और यहाँ पर काटेंगे फाइव सेवन जा और यहाँ पर कितना आएगा ठीक है फाइव फाइव जा तो इसका आंसर कितना आएगा 8/75। तो ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा तो ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। हम आपको पीडीएफ के रूप में भी कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में आपको देखा दिया जाए ताकि आप वहाँ पर भी और कोई क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो इसको नोट आपकी स्क्रीन पे तीसरे स्लाइड का क्वेश्चन मैं एक बार फिर रीड कर देता हूँ। तीसरे स्लाइड में जो क्वेश्चन दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मैं दोनों को रीड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है आप जरूर उसको रीड करेंगे। दो संख्याओं में पांच का अंतर है यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग निकालो। संख्या का अंतर दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है और उसका योग पूछ रहा है। मतलब कि इंग्लिश की बात करें तो दो संख्याओं दो नंबर्स का डिफरेंट दिया हुआ है दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है वही दो नंबर्स का सब पूछ रहा है दोस्तों। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपका दो नंबर्स का यहाँ पर डिफरेंट दिया हुआ है कितना फाइव और दो नंबर का फाइव दिया ना दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 336 दिया हुआ है ठीक है। तो दो नंबर्स का सब पूछ लेता है सब पूछ लेता है तो आपको यहाँ पर आंसर क्या देना है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप एक काम करिएगा जो डिफरेंट है ये डिफरेंट कितना है फाइव है तो फाइव का स्क्वायर कर दीजिए कितना आएगा फाइव का स्क्वायर करने में कितना आएगा फाइव का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा ना 25 आ गया है। फिर हमें क्या करना है जो प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 336 दिया हुआ है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आएगा ठीक है 4 6 24 ठीक है 2 करिए 4 त्रिज्या 12 और 2 ऐड कर दो 14 आ जाएगा 1 करिए 4 त्रिज्या कितना होगा 12 होगा 13 हो जाएगा ठीक है। अब कितना आपके पास 25 प्लस 13 को यहां पर आप ऐड कर लोगे ये ऐड है ठीक है दोस्तों इसको मल्टीप्लाई मत समझिएगा ऐड करना है इन दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट में ये 5 है ये 4 ये 5 है ये 4 है तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहां पे 2 है यहां पे 4 है तो 6 आ जाएगा यहां पे 13 आएगा। तो आपका ये रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट तब आ रहा है जब हमने डिफरेंट का जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर कर लेना प्रोडक्ट दिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर डायरेक्ट दो नंबर का सम पूछ रहा है तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका सिर्फ मैं क्या करूंगा अंडर रूट यहाँ पर 1 6 1 3 6 9 का अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है ऑप्शन आपके पास 21 दिया हुआ है ऑप्शन आपके पास 37 दिया हुआ है ऑप्शन आपके पास 28 दिया हुआ है और ऑप्शन आपके पास 51 दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है दोस्तों। तो चलिए देखिएगा 21 का स्क्वायर तो आप सबको पता है कि 441 होता है और 51 का स्क्वायर अगर मैं 50 के स्क्वायर की बात करूं तो 2500 होगा 2500 होगा जो कि इससे ज्यादा हो गया ठीक है ये भी नहीं हो सकता है ठीक है। अगर मैं 40 का स्क्वायर की बात करूं तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है नियरेस्ट जाएंगे यहां पर देखिएगा 40 इससे मतलब 1600 ज्यादा हो गया है। अगर मैं 35 का स्क्वायर की बात करता हूं तो 5 5 25 पूरा आ गया 1200 1225 आएगा। तो 1600 1225 मतलब 35 और 40 के बीच में ये कोई भी नंबर होगा 35 और 40 के बीच में कोई एक नंबर होगा तो यहाँ पर 28 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 35 और 40 के बीच में तो आता नहीं है 35 और 40 के बीच में क्या आता है 37 आता है। तो इसका आंसर क्या होगा 37 होगा आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा दो नंबर का सम कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करिएगा आपको मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा जब दो नंबर का डिफरेंट दिया होगा दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होगा और दो नंबर का सम पूछा जाएगा तो डिफरेंट का स्क्वायर कर दीजिएगा प्रोडक्ट का 4 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा सबको ऐड कर देना है लास्ट में हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है दोस्तों। ऑप्शन देख के भी यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है पहले हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया ध्यान पढ़िएगा उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस कर दिया थोड़ा सा दिया है। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। इंग्लिश की बात करें तो द सम ऑफ
two positive number is 25 and their product is 144. ठीक है, then the different of those number will be. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था, ध्यान देखिएगा यहाँ पर इस बार दिया हुआ है, पहले दिया था दो नंबर का डिफरेंट दिया था, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया था, तो वहां पर दो नंबर का सम पूछ रहा था, तो हमने कहा था कि जो डिफरेंट दिया है उसका स्क्वायर कर देना है और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको चार से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है. लेकिन यहाँ पर दिया है दो नंबर का सम दिया हुआ है, दो नंबर का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दो नंबर का सम 25 दिया हुआ है, और यहाँ पर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया है 144 दिया हुआ है, मुझसे पूछा है दो नंबर का डिफरेंट पूछ रहा है. ठीक है, डिफरेंट पूछ रहा है दोस्तों, तो इससे पहले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया है, वहां पर ये चीज दिया था ये चीज पूछ रहा था, तो हमने किया स्क्वायर किया, प्रोडक्ट का चार से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो दो नंबर का सम कितना दिया 25, तो 25 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना आएगा, तो बोलोगे यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है 625 625 आ जाएगा. अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का 144 के क्या करना है, चार से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 4 × 16 आएगा. ठीक है, हाथ से लगाइए 4 × 16 = 17 आएगा. ठीक है, हाथ से लगाइए 4 × 4 = 5 हो जाएगा. जब इनको हम माइनस करेंगे, इनका हम डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों, तो बोलोगे सर 49 आएगा, इन दोनों का डिफरेंट कितना आएगा 49 आएगा, 49 जो आया हुआ है इसका हम क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, तो 49 का अंडर रूट कीजिए होता है, बोलोगे सर इसका आंसर क्या होगा 7 आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, यहाँ पर 7 आएगा. अगर वहां पे स्क्रीन की वजह से स्लाइड की वजह से अगर छिप रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा. तो बात आपको समझना गई है, दो नंबर का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया है, डिफरेंट पूछेगा, तो कुछ भी करना है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है कि सम का स्क्वायर करना है, प्रोडक्ट का चार से मल्टीप्लाई करना है, जो भी दोनों का रिजल्ट आएगा हमें क्या करना है माइनस कर देना है, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेना है. इसी तरह अगर इससे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वहां पर डिफरेंट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो डिफरेंट का स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट का चार से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है. तो दोनों टाइप के आंसर, अगर दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर उसको कर लीजिए. आपके स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे नेक्स्ट स्लाइड लगवा दिया जाए, और नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन मेरे यहाँ पर टैब में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को भी मिलेगा क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उनके संख्याओं का अंतर क्या होगा. तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है. ठीक है, मैं तो इतना लिखता भी हूँ, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, दो संख्याओं का योग मुझे आपको बकायदा समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दो संख्याओं का योग लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणन फल दिया हुआ है. ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, उनका अंतर पूछ रहा है. ऑप्शन मैं रीड कर दूं, जबकि आपको दिखेगा 3, 4, 5 और 7 दिया हुआ है दोस्तों. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले योग दिया हुआ है कितना 42, तो 42 का स्क्वायर करते हैं. 42 का स्क्वायर करना है, बहुत सारे तरीके हैं, सबसे इजी तरीका है कि 4 का स्क्वायर 16 लिख लीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0 4 लिख लूंगा. ठीक है, फिर 4 × 8, 8 × 16. ठीक है, क्या किया मैंने 4 का स्क्वायर लिखा है, फिर 2 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर 16 तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पूरा 2 डिजिट हमने 16 लिख दिया है, 2 का स्क्वायर 4, 4 एक डिजिट है, हमें 2 डिजिट मारने के लिए आगे में 0 चिपका दिया, तो 0 4 लिख दिया है. फिर मैं क्या कहा 4 × 8, ठीक है 8 × 16, 16 यहाँ पीछे एक नंबर छोड़ के यहाँ पे 16 लिख लीजिएगा दोस्तों. ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा 7 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा. तो 42 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया है 1764 आ चुका है. ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है. तो इसके बाद हमें क्या करना है, गुणनफल को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 437 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो बताओ कितना आएगा, 4 × 7, ठीक है 4 × 7 = 28. ठीक है, यहाँ पर 2 कैरी, 4 × 3 = 12, 12 और 2 = 14 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी, 4 × 16, 16 एक
17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो ये आंसर आया हुआ है और जो ये आया हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। इससे पहले अभी जो इससे पहले वाला जो पहले क्वेश्चन था उसमें भी आपका यही लैंग्वेज था, वहां पर आपको बताया था जब आपका सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो क्या करना है, ओवरऑल माइनस करके जो आंसर आएगा वहां पर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कितना आया हुआ है, 14 में से यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 5 में से 1 आएगा, ओवरऑल कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 का हमें क्या करना है, अंडर रूट निकाल लेना है। 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोस्तों इस तरह के 3 क्वेश्चन आपके स्लाइड पे हम लगातार बता चुके हैं, अब आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बात समझ में